हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और बताओ चैनल पे दोस्तों आप लोग का स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इंडियन स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? आप लोगों ने सही कहा, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने दोस्तों बहुत ही बार न्यूज में पढ़ा है और न्यूज टीवी पे देखा है कि इसरो ने पीएसएलवी लॉन्च करा, जीएसएलवी लॉन्च करा, उसमें लिक्विड फ्यूल का यूज करा और किसी में सॉलिड फ्यूल का यूज करा। आप क्या जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड फ्यूल एंड सॉलिड फ्यूल व्हिच इज यूज्ड इन रॉकेट्स? तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस दोनों के बीच के डिफरेंस को जानेंगे और समझेंगे अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम समझते हैं। सबसे पहला हमारा होता है जो लिक्विड फ्यूल होता है, इसमें हमारा फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों ही लिक्विड स्टेट में होते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। लेकिन सॉलिड फ्यूल में हमारा क्या होता है कि फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है और उन्हें एक लो टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रखा जाता है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि फ्यूल और ऑक्सीजन को कंबाइन अप कब करते हैं, कंबशन चैम्बर में। वहां पर जब हम इसको इग्निशन देंगे, हम वहां पे इन दोनों को कंबाइन करते हैं थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन सॉलिड फ्यूल में क्या होता है, ये दोनों फ्यूल और ऑक्सीजन ये दोनों प्री मिक्स होते हैं, ऑलरेडी कंबाइन होते हैं सॉलिड फॉर्म में। लेकिन लिक्विड फ्यूल में हमें इन दोनों को कंबशन चैम्बर में कंबाइन करना होता है, तब हम इसको इग्निशन देते हैं। थर्ड डिफरेंस दोस्तों ये है कि लिक्विड फ्यूल में अगर हमें थ्रस्ट को कंट्रोल करना है तो हम फ्यूल का जो फ्लो है उसको हम बढ़ा देंगे, जिससे हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, हमें ज्यादा थ्रस्ट मिलेगा। लेकिन सॉलिड फ्यूल में क्या होता है कि जैसे ही हमने इग्निशन दिया फ्यूल को, वो स्टार्ट हो जाएगा जलना और वो रुकेगा नहीं जब तक तो वो खत्म नहीं हो जाता। इसका मतलब यह है कि सॉलिड फ्यूल के केस में हम थ्रस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको रेगुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा फ्यूल में ऑलरेडी मिक्स है। किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन अगर आपका फ्यूल में ऑलरेडी मिक्स है तो आप उसको रोक ही नहीं सकते जलने से। तो दोस्तों ये थे हमारे डिफरेंस लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल में। आज के बाद दोस्तों जब भी आप न्यूज देखेंगे इसरो की, कि इसरो ने PSLV 41 42 या कोई भी लॉन्च करा और आप उसमें पढ़ेंगे कि उसमें थ्री स्टेजेस के फ्यूल थे, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, तो आपको क्लियर होगा कि इनमें डिफरेंस क्या है लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक थम्स अप तो बनता है, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ और बताओ को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।